गाड़ी की बैंड बच चुकी है बेसिकली। आपने अभी देखा कि मेरी रिमोट की भी काम नहीं कर रही क्योंकि इसके बटन टूट गए अंदर के। सो बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ रहमान भाई के पास, जो इन्होंने मेरी गाड़ी बड़ी टिच की थी जब हम लोग देहरादून जा रहे थे तब, एंड अभी फिर से रिपेयर के लिए मैं इनके पास लेके आया हूँ। सो फटाफट मैं इनको काम समझाता हूँ। वी आर हियर एट क्रोमा एंड साउथ एक्सटेंशन, एंड हम लोग को आज ख़रीदना था यहाँ पर कूलर, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट हमारा घर अभी एक ड्राइंग रूम है और एक बेडरूम है, ब्ला 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 रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर, बट बेडरूम में ऑलरेडी एसी लग चुका है, ड्राइंग रूम के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। सो ड्राइंग रूम के लिए हमने सोचा कि बाय टू गेट अ एसी, लेट्स गेट अ कूलर, बिकॉज कूलर इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव इफ यू हैव एन ओपन विंडो एंड वी डू हैव दोज ऑप्शंस। सो ये देखो यहाँ पे तीन चीज़ें कंसिडरेशन की। पहला हम लोग ये वाला देख रहे हैं, दिस इज़ ऊषा डायनेमो 50 लीटर का है, इसका एयर फ्लो बहुत तगड़ा है, मज़ा आया मुझे। एंड द नेक्स्ट इज़ दिस वन, दिस इज़ वोल्टास का, ये टाटा प्रोडक्ट है और ये भी बहुत अच्छा है, ये 70 है, बड़ा है, बट एयर फ्लो के वाइज में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। द थर्ड वन इज़ दिस बजाज, ये वाला जो है ये इन्होंने अपने हॉस्टल लाइफ में यूज़ किया हुआ है, सो शी लाइक्स दिस वन। एंड इसमें ये है कि जो वाटर अंदर डालने की जो जगह है ना वो बहुत कन्वीनियंट प्लेसेस पे हैं, इसमें और उसमें उतना नहीं है, ठीक है। सो एयर फ्लो वाइज आई लाइक दिस वन, बट कन्वीनियंस वाइज आई लाइक दिस वन, एंड प्राइस सबका मतलब 500-200 आसपास ही है। सो अदर ऑप्शंस भी हैं बट ये मुझे फेलियर से लगते हैं यार, ये वाले जो टावर और ये सब होते हैं ना ये थोड़े फेलियर से होते हैं, फेल है ना। सो एंड यू नो ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस वन ये हैवल्स का है, इसमें पूरा एसी जैसा कंट्रोल्स एंड वो सब है एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी है, बट ये उन कमरों के लिए अच्छा है जिसमें आपके पास जैसे विंडो नहीं है फ्रेश एयर के लिए, बट वी डू हैव अ विंडो। ये लीजिए, ये जी मिस्टर संरचनाकार यहाँ है, एंड हमारी पूरी टोली यहाँ पर है, विच इज़ गोना डू होरी धूम मचोरी, ये रिधमा एस कृष्ण, एंड वहाँ पर है जया एस राधा, वो बैठी हुई है उसके पीछे, एंड प्रदीप भैया पिकअप कर रहे हैं। We have everybody, hello. सब लोग रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, अरे ये ब्लॉग में है, और क्या ब्लॉग में है इसलिए हाय हाय कर रही है, हाय हाय हाय। एंड ये मैंने आपको पहले भी दिखा, दिस इज माई फादर्स क्लासरूम, ये देखो दिस इज वेरी स्पेशल कॉर्नर, ये हमारे सारे पूर्वज हैं। सो वी आर जस्ट वेटिंग, यहाँ पे ख़त्म होगा फिर हम लोग जाएंगे नीचे। वाह वाह वाह, स्पॉट ऑन। और ये है हमारे ओरिजिनल कृष्ण जो वीडियो बनाए, जो वीडियो नहीं आए, और हमने इनको बहुत मिस किया, yes. बहुत ज़्यादा। Thank you.
ओके सो वी आर बैक होम एंड बिफोर आई एंड दिस व्लॉग मुझे आप लोगों को कुछ छोटे छोटे अपडेट्स देने हैं. द फर्स्ट अपडेट इज दैट माय कार विल टेक अबाउट 2 to 3 days टू गेट ओके बिकॉज मैं उसको एकदम शोरूम फिनिश देने वाला हूँ. सो दैट्स गोना टेक सम टाइम. सो आई एम गोना गेट माय कार बैक बाय सैटरडे तक शायद मुझे मिल जाए मेरी गाड़ी. सेकेंड वो कूलर बजाज का मैंने लिया है. Out of the three, I like the Bajaj wala because Rajni has prior experience with that machine. She says it's good, so it's good. And third is that Ruchi has given me her car for a few days until my car is back. So thank you so much, Ruchi, for that. And with that, we can end this vlog. So I really hope you like the vlog. And if you did, do subscribe to my channel, follow me on Instagram, and don't forget to hit the bell icon. And as always, stay safe, stay positive, and I'll see you in the next one. Here goes up the light.